Hi guys, it's JK from WoofTeco here, and in this video I am going to compare iPhone 7 with glossy iPhone SE 2020. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर टाइम ख़राब करें तो डिज़ाइन की बात करें तो हम लोगों को जो है सो कैमरा भी सेम मिलता, माइक भी सेम मिलता और फ्लैश भी सेम मिलती, और डिज़ाइन भी आप लोग देख सकते हैं बहुत इक्वली छे, बस एप्पल को बीच में आ गया। और नीचे की तरफ देखेंगे तो अपने को सेम माइक, स्पीकर और लाइटिंग पॉट मिल रहा। और आप लोग देख सकते हैं आईफोन 7 से आईफोन SE थोड़ा हल्का मोटा है, थिक है। और अपन राइट साइड की तरफ आए तो अपने को पावर बटन और सिम इजेक्टिंग, वो जो सिम का जो कार्ड आता है सिम ट्रे, वो मिलता जो कि ऑलमोस्ट सेम है। और ऊपर तो कुछ भी नहीं क्लीन। और लेफ्ट साइड पे आते तो अपने एलर्ट स्लाइडर और वॉल्यूम बटन मिलते। तो गाइस अपन डिस्प्ले की तरफ आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले भी ऑलमोस्ट इक्वल है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ डिस्प्ले, आप लोग देख सकते हैं गाइस कुछ भी फ़र्क नहीं दिख रहा डिस्प्ले में। और डिस्प्ले मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट इक्वल है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत शार्प है आईफोन SE का डिस्प्ले। शार्प मतलब थोड़ा थोड़ा बेटर है, हल्का सा बेटर, ना के बराबर बेटर है आईफोन SE का डिस्प्ले एज़ कम्पेयर टू आईफोन 7। बट अगर आप लोग इतना 40 जो ये रिलीज़ हुआ था 128 GB वेरियंट है जो मेरे पास है सो 47,000 में। और आप लोग कैमरा भी देख सकते गाइस आईफोन SE का बेटर है, हालांकि कैमरा लेंस ऑलमोस्ट इक्वली छे। उसके A13 बायोनिक के वजह से, उसके प्रोसेसर अच्छा रहने की वजह से इमेज प्रोसेसिंग अच्छी हो रही है उसमें। और फ्रंट भी देख सकते हैं गाइस आप लोग ऑलमोस्ट इक्वल है फ्रंट भी, 7 मेगापिक्सल 7 मेगापिक्सल। तो अपन थोड़ा बहुत स्पीड टेस्ट करेंगे और आपको कैमरे के जो है सेटिंग्स भी बता दूँगा इसमें। तो इसमें आईफोन SE 2020 में अपन है सो 4K 60 FPS, 4K 20 24 FPS पे भी ले सकते हैं वीडियो, बट आईफोन 7 में 4K 30 FPS तक ले सकते हैं। ये बहुत अलग है, बट कौन अभी 4K 30 FPS पे लेता। बेसिकली मैं भी रहा तो 1080p 60 FPS पे लेता हूँ वीडियो। स्टोरेज मैटर्स अ लॉट ब्रो। और उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आईफोन SE पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 7, बट आप लोगों को परफॉर्मेंस में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता। मेरे हिसाब से आईफोन 7 लेना वर्थ है एज़ कम्पेयर टू आईफोन SE। अगर आपको अच्छी बैटरी लाइफ, बहुत अच्छी थोड़ी थोड़ी सी बेटर बैटरी लाइफ होना बोल तो आप आईफोन SE पे जंप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं गाइस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, तो दोनों भी ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे है, एक सेकंड का फ्रैक्शन और सेकंड का टाइम डिफरेंस है। तो आप लोग देख सकते हैं iOS 14 बहुत थोड़ा इसका नेट खोल, तो मैं नेट खोलना भूल गया था। तो गाइस मेरे पास ज़्यादातर सिमिलर ऐप्स नहीं है, तो इंस्टाग्राम खोल के देखेंगे अपन। तो इंस्टाग्राम पहले खुला आईफोन SE में, फिर बाद में लोड जल्दी हुआ आईफोन 7 में। तो डे टू डे यूजेज में आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता गाइस, तो भरोसा करो मेरे पे। बट गेमिंग में आपको थोड़ा बहुत फ़र्क दिखता। आईफोन SE के ग्राफिक्स बहुत तगड़े है गाइस, CPU में ऑलमोस्ट इक्वल है। और मैं खोल दूँ सफारी में मैं बेसिकली अलग अलग रखा, बट ऐप ओपनिंग ऑलमोस्ट इक्वल है गाइस। दो भी फोन मेरे हिसाब से तो इक्वल है। और आप लोग देख सकते हैं मैं एक बार व्हाट्सएप भी खोल के दिखा तो आपको 1, 2 एंड 3 तो देख सकते हैं गाइस ऑलमोस्ट इक्वल। तो मेरे हिसाब से तो आईफोन 7 लेना बेटर रहता आईफोन SE से। अगर आपको हल्का पुल्का जो ना के बराबर थोड़ा अच्छी बेटर क्वालिटी चाहिए, और डिस्प्ले थोड़ा हल्का सा ना के बराबर बेटर डिस्प्ले चाहिए, ये कैमरा क्वालिटी में अच्छी इमेज प्रोसेसिंग चाहिए, तो आप आईफोन SE ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाह रहे तो आपको एक 14,000 12,000 या 13,000 तक आईफोन 7 बॉक्स बिल चार्जर के साथ और नीट कंडीशन में मिल जाता है ईबे पे भी, और आप लोग सर्च कर सकते हैं। मेरे को तो आईफोन SE से अच्छा आईफोन 7 का डिज़ाइन जो एल्यूमिनियम बैक है वो अच्छा दिखता, क्यों बोल तो आईफोन SE ग्लास का है एंड ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास में ब्रेक, तो ग्लास फूट भी सकता तो उसके अलग खर्चे रहते। बट आईफोन 7 में ऐसा कुछ भी नहीं है, और आईफोन 7 पतला है और बैटरी की जो है कैपेसिटी आईफोन 7 की हल्की सी बेटर है आई गेस, नहीं बराबर ऑलमोस्ट बराबर है। बट बैटरी बैकअप आईफोन SE ज़्यादा देता है एज़ कम्पेयर टू आईफोन 7 से बैटरी बैकअप आईफोन SE अच्छा देता, क्यों बोलते उसमें A13 बनाने के। सोचता रखेंगे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। पीस।